आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे चर्चा करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में कि हमारे आसपास जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखते हैं वो सभी के सभी रेजिस्टेंस कहलाते हैं, जिनका कुछ वैल्यू होता है। और ये बिल्कुल उसी प्रकार से होते हैं जो कि हम लोग चलते समय जो घर्षण उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन होता है, वो उसी प्रकार से करंट को रोकने के लिए जो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो है, जब कॉम्बिनेशन यानी कई मिल जाए आपस में, तो इनकी कुछ अलग प्रॉपर्टी बनती है। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक थर्ड भी होता है जिसको कि हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि वो क्लास 12th के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या होता है। तो जब कभी भी एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आपस में ऐसा अटैचमेंट हो कि एक का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से, दूसरा का अंतिम सिरा तीसरे के पहले सिरे से, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए, तो जब ये अटैचमेंट होता है तो इस तरीके के अटैचमेंट को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये डॉट 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 मतलब बता रहा है कि आगे और भी हो सकते हैं। तो यहाँ से जो वायर निकलेगा ये हमारा जाएगा कहाँ पे, तो पावर सप्लाई को जाएगा। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई। इसके साथ हम लोग चाहें तो की लगाएं, लेकिन यहाँ पे की अभी कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए मान लेते लगा देते हैं। तो हमारा की जो है करंट सप्लाई कर रहा है, और इसके बीचों बीच में एक यहाँ पे लगा देंगे हम लोग एमीटर, और ये एमीटर के साथ जो है वो एमीटर जो है हमेशा हम लोग जानते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड होता है। इन सभी के साथ एक एक वोल्ट मीटर लगेगा। ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3 वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि इसी के साथ और भी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सभी के साथ लगेगा। हम लोग यहाँ पे तीन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि तीन रेजिस्टेंस के साथ तीन अलग अलग वोल्ट मीटर लगेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन में होता है, और एमीटर चूंकि सीरीज में होता है तो रेजिस्टेंस तीनों रेजिस्टेंस के वो सीरीज में हो गया। अब हम लोग निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस इतना ही हम लोग लिखते हैं ताकि जल्दी होने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि पहले यहाँ पर देखिए, हर एक रेजिस्टेंस जो है उसका अपना रेजिस्टेंस है, जो कि R1 है इसका, और ये वाले का सेकंड वाले का R2 है, थर्ड वाले का R3 है। तो चूंकि एमीटर एक ही है तो सभी रेजिस्टेंस से एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा, लेकिन चूंकि अलग अलग वोल्ट मीटर लगा है हर एक रेजिस्टेंस के साथ, तो सभी में अलग अलग वोल्टेज मापा जाएगा। तो मान लेते हैं कि R1 के लिए हम लोगों ने V1 लिया, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3 है। तो ओम्स लॉ के अनुसार से क्या है कि V1 इजकल टू IR1, V2 इजकल टू IR2, V3 इजकल टू IR3। ठीक है, अब यहां से देखिए ये जो टोटल जो भी है ये कहाँ से निकल रहा है, तो इस पावर सप्लाई से, अर्थात ये भी जो ही है वो तीन भागों में बट रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं हम लोग कि भी इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो भी है ये? तो भी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इस प्रकार से वैल्यू हम लोग रख देते हैं तो इसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा IR इक्विवेलेंट हो जाएगा ओम्स लॉ से। तो ये क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए यहाँ से I को हम लोगों ने कॉमन ले लिया,
आर क्यू हो गया, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई, यहाँ पे कॉमन ले लिया गया, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये आई आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये जो हो गया, ये हमारा आर इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया कहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम लोग देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला हमें मिला कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हो तो उस समय उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री डॉट डॉट डॉट, चूँकि डॉट 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 है तो हम लोग यहाँ पर भी डॉट 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 लगा सकते हैं, अर्थात इस प्रकार से जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हों उन सभी का वो इक्विवेलेंट प्राप्त होगा। अब देखा जाए सेकेंड केस, जिसमें कि हम लोग करते क्या हैं कि एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, और तीनों को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, और चूंकि ये एक ही जगह कनेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड होगा, लेकिन तीनों के बीच में तीन आमीटर ए वन ए टू और ए थ्री, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के सीरीज में ही कनेक्शन होता है। तो इस तरीके से तीन हमारा एमीटर कनेक्ट हुआ, इससे मान लीजिए कि आई वन करेंट फ्लो हो रहा है, इससे आई टू करेंट फ्लो हो रहा है, और इससे आई थ्री करेंट फ्लो हो रहा है, आर वन आर टू आर थ्री, और वोल्टेज वी है। तो अब जो होगा वो वोल्टेज तो यहाँ पे जो होगा वही शो करेगा, लेकिन जो इसमें जो करंट है अब वो तीन भागों में बढ़ जाएगा। तो फिर अब देखा जाए जरा इसके लिए सिंबल प्राप्त, इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त किया जाए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए, ये था सीरीज और ये हो जाएगा पैरेलल। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि R1 के लिए अब यहाँ पे करंट जो है I1 हो रहा है, R2 के लिए जो करंट है वो I2 हो रहा है, और R3 के लिए जो करंट है वो I3 हो रहा है। और इस प्रकार से हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू आई थ्री आर थ्री, या इसको दूसरे अर्थों में लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आई वन इज इक्वल टू वी बटा में आर वन, आई टू बराबर वी बटा में आर टू, और आई थ्री बराबर वी बटा में आर थ्री, ठीक है ना। अब हम लोग आई इक्विवेलेंट यहाँ से इसमें जो आई होगा उसके इक्विवेलेंट देखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा भी बटा में आर इक्विवेलेंट, कहाँ से भाई, ओम्स लॉ से। तो आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, और तीनों का वैल्यू रख दें हम लोग यहाँ पे, तो भी बटा में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस V बटा में R3। और इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे V बटा में RQ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V कॉमन हो गया 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में वन बटा में आर थ्री, और ये वी वी कैंसिल, और इस प्रकार से वन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बटा में आर वन प्लस वन बटा में आर टू प्लस वन बाई आर थ्री। और इस प्रकार से हम लोगों को जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या है, वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर थ्रू आर थ्री। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब सीरीज था तो तीनों का एडिशन हो रहा है,
जबकि पैरेलल में क्या है, तीनों का एडिशन हो रहा है लेकिन अपॉन में एडिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को प्रभाव के लिए इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब इनका इक्वेशन प्राप्त हो गया तो हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने प्रैक्टिकल लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।